हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज की रेसिपी में है ढाबा स्टाइल लच्छे वाले प्याज। आपकी थाली के स्वाद को 4 गुना और बढ़ा देंगे जब आप ये बनाएंगे लच्छे वाले प्याज। तो चलिए किचन की ओर बनाते हैं इसको। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 4 प्याज, जिनको मैंने छिल कर धो कर रख लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के लिए मैं यहाँ लूँगी एक बड़े वाला बाउल और इसको कट कर देंगे। सबसे पहले करना क्या है, इसके अपर वाले पार्ट को निकाल देंगे क्योंकि ये प्याज के अंदर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और इसको हम गोल गोल कट कर लेंगे। इसको थोड़ा मोटा ही रखना है इस तरह से, अगर पतला रखेंगे तो वो टूट जाएगा। इसके साथ ही मैं बाकी तीनों प्याज को भी कट कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक आधा छोटा चम्मच। थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे इसमें। अब मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, लगभग आधा चम्मच, एक नींबू का रस डाल देंगे इसमें। यहाँ मैंने हाफ हाफ कट करके मैं पूरा नींबू इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे अपने हाथों से ही। इसके सारे ये लच्छे अलग अलग हो जाएंगे। इसको इस तरह से अलग अलग निकाल लेंगे एक के बाद एक करके। सारे लच्छों को हम अलग अलग कर लेंगे। लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेश हरी धनिया और ये हमारे लच्छे वाले प्याज बनकर रेडी हो गए हैं। बने हैं ना बिल्कुल एकदम लच्छे वाले प्याज। एक एक लच्छा इसमें अलग से है। आप भी बनाइए फटाफट अपने घर पर और मुझे ज़रूर बताइए कि आपके ये प्याज कैसे बने। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आती रहे। लाइक भी करें, शेयर भी करें। मैं कंचन चोपड़ा मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इन्जॉय कीजिए। टेक केयर, बाय।